सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि YouTube पर वीडियो अपलोड करने के लिए हमें किन किन उपकरणों और एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, जिससे कि हम एक अच्छी वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड कर सकें। साथियों, कोरोना महामारी के इस दौर में देखने में आया है कि बहुत से शिक्षक वीडियो बनाकर YouTube के माध्यम से अपने विद्यार्थियों के पास भेज रहे हैं, ताकि उनकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से जारी रहे। लेकिन बहुत से शिक्षक ऐसे भी हैं जो वीडियो तो बनाना चाहते हैं, लेकिन एप्लीकेशन की नॉलेज के अभाव में और उपकरणों की उपलब्धता के अभाव में वो इस कार्य को नहीं कर पा रहे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि हमें कौन कौन से बेसिक उपकरण और एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, जिससे कि हम YouTube के लिए वीडियो बना सकें। तो इस वीडियो में आप उन उपकरणों और एप्लीकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिससे कि आप बड़ी आसानी से YouTube के लिए वीडियो बना सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहला जो उपकरण होगा वो होगा आपका मोबाइल फ़ोन या फिर DSLR, जिससे कि आप वीडियो बनाएंगे। क्योंकि आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आपके पास मोबाइल फ़ोन तो अवश्य ही होगा। दूसरा जो उपकरण होगा, राइटिंग के लिए आपको मटेरियल चाहिए, तो एक वाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड, मार्कर और डस्टर या फिर चौक और डस्टर। तो मोबाइल फ़ोन से हम वीडियो बनाएंगे, और जो हम वीडियो बनाएंगे तो राइटिंग के लिए हम वाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड का प्रयोग करेंगे। तो दूसरा उपकरण हमारा वाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड हो जाएगा। इसके बाद वीडियो बनाने के लिए हमारे पास मोबाइल फ़ोन है और हमने एक बोर्ड लगा लिया है। इसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण उपकरण होगा वो होगा वो स्टैंड, जिस पे हम मोबाइल रखेंगे। इसको हम बोलते हैं ट्राइपॉड, ट्राइपॉड स्टैंड। तो यहाँ पे इस जगह पे हम अपने इस मोबाइल को फिक्स कर देंगे और वाइट बोर्ड पे लिखना शुरू कर देंगे। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण उपकरण हुआ वीडियो बनाने के लिए वो है ट्राइपॉड स्टैंड। इस ट्राइपॉड स्टैंड की खास बात ये होती है कि आप यहाँ पे इसमें ये जॉइंट्स हैं, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप इसको मार्केट से भी ख़रीद सकते हैं, नहीं तो जो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स हैं फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, स्नैपडील, इससे आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। बल्कि वो ज़्यादा इजी रहेगा, वैरायटी आपको मिल जाएगी। ये 300-400 रुपए से शुरू होके और इसकी रेंज बढ़ती रहती है, तो आप अपनी पॉकेट के हिसाब से कोई भी एक स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड खरीद सकते हैं। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण हमारा उपकरण हुआ वो हुआ ट्राइपॉड स्टैंड। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जब हम वीडियो बनाएंगे तो ट्राइपॉड स्टैंड पे जब हमारा मोबाइल लगा हुआ है तो जब हम बोलेंगे तो कई बार आवाज़ इतनी क्लियर नहीं होती। दूसरी बात, जो साउंड काफ़ी कम रह जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए एक माइक्रोफोन आप ले लेंगे। मेरा अनुभव ये कहता है कि जो बोया कंपनी का माइक्रोफोन है वो चीप एंड बेस्ट है, इकोनॉमिकल है और बहुत बढ़िया रिजल्ट इससे मिलते हैं हमें। तो ये हमें 700-800 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का मिल जाएगा। ये भी आप
जो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स हैं उनसे खरीद सकते हैं। तो ये चार महत्वपूर्ण जो हमारे पास उपकरण हो गए, इनकी सहायता से आप एक अच्छा वीडियो बना पाएंगे। इसके बाद जब आप वीडियो बना लेंगे तो क्या होता है, उस वीडियो में उसका साइज़ कई बार बड़ा हो जाता है और उसमें हमें थोड़ी एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो उस एडिटिंग को करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए काफ़ी सारी एप्लीकेशन है। तो उनमें से जो मुझे सबसे अच्छी लगती है और जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है फिल्मोरा गो। यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। तो फिल्मोरा गो के नाम से ये एक एप्लीकेशन है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर लेंगे इसको। ये एक बहुत इजी टू यूज़ एप्लीकेशन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब हम YouTube के लिए वीडियो बना लेते हैं तो YouTube पे हमारी जो वीडियो है वो किस तरह से नज़र आए, जब हम YouTube पेज को ओपन करते हैं तो उस पर बहुत सारी जो वीडियो होती हैं तो उनका जो लुक है वो किस तरह से अट्रैक्टिव बनाई जाए, इसके लिए आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। थंबनेल मेकर के नाम से ये एक एप्लीकेशन होगी, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो आपकी YouTube पे वीडियो है उसको आप अट्रैक्टिव बना सकते हो। ठीक इसी प्रकार से YouTube आपके मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल होगी ही, तो YouTube के साथ साथ आप एक और एप्लीकेशन है YouTube Studio, यहाँ पे लिखा हुआ YT Studio, इसकी फुल फॉर्म है YouTube Studio। इस एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि जब हम YouTube पे अपनी वीडियो अपलोड कर देंगे तो उसके बाद हम अपनी वीडियो पे जो रिस्पॉन्स है उसको देखना चाहते हैं कि कितने उस पर लाइक आए हैं, क्या उस पर कमेंट आए हैं और क्या उसकी YouTube ने रेटिंग दी है। तो इसके लिए एक एप्लीकेशन है YouTube Studio, तो ये भी आप डाउनलोड कर लेंगे। तो साथियों, ये हमारे पास YouTube वीडियो बनाने के लिए चार तो हमारे डिवाइस हो गए, मोबाइल फ़ोन, वाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड, ट्राइपॉड स्टैंड और एक माइक्रोफोन। उसके साथ साथ तीन एप्लीकेशन जिनमें हमने बात की है एडिटिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए फिल्मोरा गो, उसके साथ साथ थंबनेल के लिए थंबनेल मेकर और YouTube पे अपने वीडियो का एनालिसिस जानने के लिए YouTube Studio या फिर YT Studio। तो वीडियो बनाने का विचार अगर साथियों आपके मन में है तो उससे पहले आप ये डिवाइस और ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से हम YouTube के लिए एक अच्छी वीडियो बनाएं। थैंक यू वेरी मच।